press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. लॉकडाउन में तो बहुत बुरा हाल हुआ भाई साहब। लॉकडाउन के अंदर तो ये समझ लो हमारी जो है स्थिति बहुत गंभीर रही। किसी की कोई हेल्प नहीं, हेल्प तो कोई देता ही नहीं है, हेल्प तो कोई देता ही नहीं। हेल्प तो हमारे हो रही है कि हम तो खुद अपनी जेब से पैसे लगा करके बाजार के अंदर माल बेचते हैं। कोविड-19 के कारण दुनिया भर में खेल उद्योग पर जबरदस्त मार पड़ी है। खेल गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गई हैं। इसका असर खेलों से जुड़े उद्योगों पर भी देखने को मिला है। भारत का खेल उद्योग भी इससे अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर को स्पोर्ट्स सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को कोरोना की महामारी ने किस हद तक नुकसान पहुंचाया और इससे उबरने में उसे कितना वक्त लगेगा, इसका आकलन करने के लिए हमने मेरठ में स्थित तमाम खेल संबंधी उद्योगों की एक यात्रा की। इस उद्योग से जुड़े व्यापारी कर्मचारी कोरोना से किस कदर प्रभावित हुए हैं, उन्होंने खुलकर अपनी राय जताई। आफ्टर कोविड-19 सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पर आई वो मार्केट ओपन होने की थी। सेकंड, लेबर नहीं थी। शुरू में करीब 4 मंथ्स कोई लेबर अवेलेबल नहीं थी। फिर जो कस्टमर है वो कहीं अवेलेबल नहीं है पूरे मार्केट। स्पोर्ट्स एक ऐसी आइटम है जो ना तो लग्जरी है और ना ही नेसेसिटी है। जब आदमी के और सब खर्चे पूरे हो जाते हैं तब वो स्पोर्ट्स की तरफ जाता है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको हम लोग फेस कर रहे हैं और करीब करीब हम लोगों के यहाँ पर आज के दिन 70% तक मार्केट हमारा डाउन हुआ है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के ऊपर मेन फर्क ये पड़ेगा, थोड़ा और ज़्यादा खींचेगा औरों की जगह, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान है। जब फाइनेंशियल क्राइसिस होगा स्पोर्ट्स का नंबर बहुत देर में आता है, इसलिए स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की सर्वाइवल बहुत दिनों तक बहुत मुश्किल है। हम कम से कम 1 साल पीछे चले गए, 2020 तो समझो गया। एक्सपोर्ट के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आ रही है आज की तारीख में, हमारे को फिलहाल तो ड्रॉबैक मिलना शुरू हो गया है, लेकिन जो GST का रिफंड है, GST का रिफंड बिल्कुल नहीं मिल रहा। ये समझिए आप फरवरी ऑनवर्ड्स हमें नहीं मिला। अब तक GST का रिफंड जब तक नहीं मिलेगा फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे पास भी आ जाएंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा तो क्या होगा, लेबर को तनख्वाह नहीं मिलेगी, शटआउट कर देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मेरठ में बनने वाले खेलों के साजो सामान देश के साथ ही दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं। यहाँ की औद्योगिक इकाइयों में इंग्लैंड से आयात होने वाली इंग्लिश विलो लकड़ी से बने क्रिकेट के बैट पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं। दुनिया भर के तमाम खिलाड़ी अपने लिए यहाँ से ही अपने बल्ले मंगवाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के हमले से इस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का विकेट भी उखड़ गया है। लोगों के मुताबिक लॉकडाउन के बाद सप्लाई चेन रुकने से यहाँ खेल के सामानों की बिक्री में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मंदी का असर कारखानों और फैक्ट्रियों के साथ ही छोटे व्यापारियों और घरों में काम करने वाले कामगारों पर भी देखने को मिला है। अगर हम लॉकडाउन के इम्पैक्ट की बात करें, अगर लॉकडाउन की हम बात करते हैं, लॉकडाउन में सब कुछ बंद था तो हमारा शोरूम भी बंद था, स्पोर्ट्स गतिविधि नहीं हो रही थी, चाहे उसमें लोगों ने कई फैक्ट्रीज खुली लेकिन वो केवल कैरम की, क्योंकि कैरम लोग घर एक ही जरिया था घर पे टाइम व्यतीत करने का, वो है लूडो और कैरम, उसके अलावा कोई काम कोई वर्क नहीं हुआ। अगर हम अपने अपने बच्चे को खिलाते हैं तो वो कोई ना कोई लेकर देना पड़ेगा, इक्विपमेंट लेकर देना पड़ेगा, जब वो पैसा ही नहीं होगा तो इक्विपमेंट कैसा, तो उससे काम में भी बहुत फर्क पड़ा है और लोगों की जेबों में बहुत फर्क पड़ा है भाई। लोगों के जब लोगों को पहले अपने बेसिक नीड पूरी करेंगे तभी तो आप अपने खेलेंगे। 50% तक रिवाइवल है अभी, 50% काम कम है, बहुत सारी सिटीज बंद हैं, बहुत सारी सिटीज में क्या सारी सिटीज में स्कूल सारे बंद हैं, तो स्कूल्स बंद हैं तो जो है जो किड्स खेलते हैं, बच्चे खेल रहे हैं 12th स्टैंडर्ड तक का जो किड है वो जो खेलता था स्कूल में जाकर, वो सब कुछ बंद ही है। कॉरपोरेट भी ऑलमोस्ट बंद ही है अभी, क्रिकेट या फुटबॉल जो भी कॉरपोरेट का टूर्नामेंट्स होते हैं वो भी बंद हैं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा चलने लगा है, काम चल रहा है, अच्छा है। हाँ, बाहर से जो पहले इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने की हुई थी बाहर के शॉपकीपर्स पर, वो पैसा नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा इशू उस पैसे का है,
वो पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ जो अब सामान ले रहा है शॉपकीपर उसका पैसा दे रहा है, आ जाएगा वो भी पैसा। उनके साथ भी दिक्कत है, हमारे साथ भी दिक्कत है, हम भी पेमेंट कर रहे हैं लेकिन जो है पूरी पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो यही है कि चीजें चल रही हैं, वही मैंने आपको बताया 50% रिवाइवल है तो सब कुछ 50-50 ही चल पा रहा है, लेकिन हाँ धक्का लग रहा है, पुश मिल रहा है, हल्का हल्का सा कस्टमर का पुश आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये है, आफ्टर दैट लॉकडाउन खुल भी गया है, स्कूल कॉलेजेस हैं, स्कूल कॉलेजेस सब बंद है, तो हम जैसे होलसेलर हो गए तो हमारे जो रिटेल स्टोर्स हैं या जो और हमसे जो मटेरियल प्रोक्योर करते हैं तो उनकी जो सप्लाईज थी स्कूलों कॉलेजों की, वो सप्लाईज पूरी ज़ीरो हो गई। पहले इस साल तो कोई प्रोक्योरमेंट हुई नहीं स्कूल की, तो वो एक मेजर इफेक्ट पड़ा है। हाँ, स्पोर्ट्स के अंदर कैरम बोर्ड का डेफिनेटली बहुत अच्छा, इसके अंदर कोविड के लिए उनकी तो लॉटरी खुल गई थी, जो एक रुपये की चीज़ थी 5 रुपये में बेची है इन्होंने, ब्लैक में बेची है, क्योंकि सब घर के अंदर बंद थे, इन्होंने कुछ भी है बाजार से किसी चोरी छिपे कैसे भी उन्होंने माल खरीदा है। लेकिन जो आउटडोर गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स जब तक ग्राउंड नहीं खुलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, और उसके बाद भी लोगों के पास पैसा होना चाहिए खरीदने के लिए, बहुत दिक्कत है अभी। मेरठ के सूरजकुंड रोड पर खेलों के सामान की सबसे बड़ी और पुरानी मार्केट है। यहाँ के व्यापारियों ने हमें बताया कि लॉकडाउन के चलते उनका पूरा कारोबार चरमरा गया है, सप्लाई चेन टूट चुकी है, इससे खड़ा होने में अब काफी वक्त लगेगा। जब तक स्टेडियमों में और स्कूल कॉलेजों में खेल गतिविधियां फिर से शुरू नहीं होती तब तक व्यापार के पटरी पर लौटने की कोई संभावना नहीं है। लॉकडाउन से पहले जितनी भी मार्केट में पेमेंट थी किसी से छवनी नहीं आ रही, ना आई पहले से नहीं, क्योंकि कई मार्केट बंद है, कई किसी को कोरोना हो गया किसी को कुछ, अब नए इस तरह से काम जा रहा है, माल जा रहा है, उस हिसाब से नया आई पैसा आ रहा, पुराना सब ब्लॉक। क्योंकि क्रिकेट बैट हमारा मेन प्रोडक्ट है और मैदान ना खुलने के कारण क्रिकेट बैट अभी बंद हुआ है, बिल्कुल उसका कोई डिमांड है ही नहीं, बिल्कुल बहुत कम हो गई। तो हमारा जो अपना न्यू प्रोडक्ट है, हमने लूडो वुडन वाली बास्केटबॉल, बास्केटबॉल बोर्ड, ये सब अपना प्रोडक्ट, काम हमारा ये अपना ही है, जो बैट का काम है और ये कैरम बोर्ड का काम है, ये अपना ही काम है। ये कैरम बोर्ड का तो हमने अभी करा है जब से लॉकडाउन लगा है, पहले हमारा बैट का ही काम था, बैट के काम में जो है ना चलने की वजह से, उसकी लॉकडाउन की वजह से तो काम 6 महीने 8 महीने से बंद पड़ा बिल्कुल, उसके बाद में हमने फिर ये जो है थोड़ा बहुत ये काम शुरू करा है और इसमें भी जो है पैसे वैसे भी लगाया है, सारे काम करे हैं, लेकिन अभी जो है कुछ ना चलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। बाजार के अंदर माल जाता है तो मतलब आने जाने के बाद भी फिर भी जो है पेमेंट जो है ना, मतलब ऐसे नहीं कि इकट्ठी आई वैसे आगे, फिर उससे पैसे भी जो है उल्टे हमारे ही फंस जाते हैं। हर साल इंडियन प्रीमियर लीग का सीजन आते ही इनके धंधे में जबरदस्त उछाल आता था, इस दौरान क्रिकेट के सामानों की जमकर बिक्री होती थी, लेकिन इस बार आईपीएल के खाली स्टेडियम और विदेश में शिफ्ट होने के कारण बाजार मंदा ही बना रहा। हालांकि इसका अलग तरीके से भी एक असर हुआ है, घरों के अंदर खेले जाने वाले इंडोर गेम से जुड़े साजो सामान के व्यापार में तेजी देखने को मिली है। लॉकडाउन के कारण घरों में बंद लोगों की इंडोर गेम में रुचि बढ़ी है, अब क्या उम्मीद है खेल उद्योग से जुड़े लोगों को? हमारे इस सवाल पर लोगों का जवाब था कि कोरोना की वैक्सीन आने के बाद ही उनका व्यापार पटरी पर लौट सकता है। आईपीएल हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि आईपीएल हो रहा है, इसका फर्क पड़ेगा। दोस्त, आईपीएल हो रहा है बिना स्पेक्टेटर्स के हो रहा है, और जब तक यहाँ पे ग्राउंड्स नहीं खुलेंगे विद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी अगर खुल जाते हैं, लड़के खेलते हैं ग्राउंड में, कितने 10 या 15 नजर आते हैं, क्रिकेट के बाद बात कर रहा हूँ। आईपीएल से सर जब तक ग्राउंड्स के अंदर परमिशन नहीं मिलेगी खेलने के लिए तो उसका परचेजिंग पे कोई खास इफेक्ट आने का नहीं है। कोरोना वायरस के बाउंसर ने मेरठ की स्पोर्ट इंडस्ट्री को भी बुरी तरह घायल कर दिया है। आईपीएल शुरू होने के बावजूद यहाँ के शोरूमों में ऐसी भीड़ नहीं दिख रही है जैसी पहले हुआ करती थी। व्यापारियों का मानना है कि इससे उभरने में उन्हें काफ़ी वक्त लगेगा।